सुप्रभात विद्यार्थियों, क्लास सेवंथ और एट्थ के बच्चों के लिए तीसरा से और चौथा पार्ट जो व्याकरण में है वह है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल या मिला, मिलना या मिला। तो संधि की जो परिभाषा हुई वह बोर्ड पे लिखा है, वर्णों के परस्पर मेल, मेल मतलब मिलना से उत्पन्न विकार, जो नया दोष उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है या परिवर्तन को संधि कहते हैं, परिवर्तन संधि कहलाता है। तो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर विद्या है और यहाँ पर आलय, तो यहाँ पर देखिए इसका आ और इसका आ, ये दो वर्ण जो है आपस में मिल जाएंगे तो ये एक नया शब्द बनेगा, इसका अर्थ हो जाएगा विद्यालय। तो ये विद्यालय शब्द जो है ये संधि है, तो विद्यालय जो है ये संधि है, विद्या धन आलय विद्यालय। तो ये विद्यालय वर्णों का मेल हो गया। वर्ण जो है आप समझ सकते हैं, यहाँ दो वर्ण है, एक आ, इसका संधि का जो नियम बना वो बड़ा आ, धन बड़ा आ, बराबर बड़ा, इस प्रकार का नियम बनता है। संधि को पढ़ने की दृष्टि से संधि के तीन भेद हैं। तो संधि के भेद, तो पहला जो है वह है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद पाए जाते हैं। स्वर संधि को पांच भागों में पढ़ने की दृष्टि से विभाजित किया जाता, अलग किया जाता, अर्थात स्वर संधि के पांच भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये किसके भेद है? स्वर संधि। अब इन संधियों को हम नियम और उदाहरण के साथ पढ़ते रहे। आपकी पाठ पुस्तकों में नियम लिखे हुए, इसलिए मैं नियम को यहाँ नहीं लिख रहा, नियम को मैं सिर्फ समझाऊंगा और उदाहरण के द्वारा उसे बताने का प्रयास कर रहा। दीर्घ संधि का अर्थ होता है, दीर्घ का अर्थ होता बड़ा, बड़े में कि दो दीर्घ स्वर है, एक आ और बड़ी ई और बड़ा ओ। यहाँ दीर्घ संधि में हर्ष या दीर्घ आपस में, दीर्घ में ई और ई, उ और उ आपस में छोटे बड़े, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, चार प्रकार से बनेंगे। उन नियमों से जो है दीर्घ संधि बनेगा, अर्थात संधि जब किया जाएगा तो वो दीर्घ का रूप है। उदाहरण के रूप में लिखो, मैं अगर जैसे मैंने लिखा देव धन आलय, तो शब्द बन गया देव धन आलय, तो इसका और इसका तो शब्द बन गया देवालय। तो यहाँ नियम जो बन गया इसका, अब इधर क्या है छोटा, ये हो जाएगा छोटा, और इधर क्या है बड़ा, ये हो जाएगा दीर्घा, मिलकर जो बनेगा आ, तो शब्द बन गया देवालय। उसी तरह अगर हम ई का देखें तो नदी धन ईस, नदीस, वधु धन उत्सव, वधुत्सव, ऐसे ही देवालय। यहाँ विद्यालय भी आपका ही उदाहरण है, नदीस हुआ तो नदी धन ई का ऐसे प्रकार उदाहरण होंगे, और ऊ का वधु धन उत्सव, वधुत्सव। तो यहाँ पर वो ये अर्थात संधि होगा तो या तो बड़ा आ बनेगा या बड़ी ई बनेगा या बड़ा बनेगा, तब उसको हम कहेंगे दीर्घ संधि। अब ये संधि हुई और इसका जो है ये हो गया संधि विच्छेद, तो इसको हम कहते हैं विच्छेद। क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। तो ये संधि विच्छेद हुआ, ये संधि विच्छेद, और ये जो हुआ ये हो गया आपका संधि, ये हो गया क्या आपका संधि।
तो संधि में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो संधि कीजिए आपको देवधन आलय दिया जाएगा तो आपको देवालय बनाना होगा। अगर देवालय शब्द दिया जाएगा कहेंगे संधि विच्छेद कीजिए तो आप लिखेंगे देव धन आलय तो देवालय। तो दीर्घ संधि में जो आपने पढ़ा कि उसमें हर्ष और दीर्घ आपस में मिलकर बड़ा बड़ी और बड़ाऊ बनाते हैं। अब हम चलते हैं गुण संधि की। गुण संधि में यहाँ दो नियम बनते हैं। ये पहला नियम जो बनता है आ और आ का मेल ई और ई से होने पर ये बनेगा। और आ का मेल ई और ई से होने पर ये बनेगा। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखें नर धन ईस, नर धन ईस, नर में अ आ गया और अ मिलकर हो जाएगा शब्द बनेगा क्या नरेश। उसी प्रकार अ और आ का मेल अगर उ और उ से हो तो अ और आ का मेल उ और उ से हो तो को बने। तो अगर हम कहेंगे जैसे उदाहरण यहां मैं लिखूं, जैसे लिखू महा धन उदय, महाधन उदय ये शब्द हुआ तो महा में आपकी मात्रा आ गई, उदय में वो हो गया तो शब्द बनेगा यहाँ पर महोदय, शब्द बनेगा महोदय। तो ये कौन सा नियम हो गया गुण संधि। गुण संधि में क्या बनेगा ए और ओ बनेगा। ए और ओ बनने से अ और आ का मेल ई और ई से हो तो ए और अ और आ का मेल उ और उ से हो तो ओ। तो गुण संधि। वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में यहां जो उल्लेख किया जाएगा वृद्धि संधि के अंतर्गत अ और आ का मेल अ और आ का मेल ए और ए से हो, ए और ऐसे हो तो अय बने और अ और आ का मेल ओ और औ से हो तो आओ बनेगा। उदाहरण के लिए यहाँ अगर देखें तो अगर उदाहरण दिया जाए वृद्धि संधि का तो शब्द हो जाएगा ए धन ए बराबर है। ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। उसी तरह वन धन औषधि वनौषधि, वन धन औषधि वनौषधि, इस प्रकार का उदाहरण आपको मिलेगा। अब यण संधि का यह है, इसमें सभी में य का प्रयोग हुआ। यण संधि के अंदर आप देखेंगे इसमें ई और ई का मेल भिन्न स्वर से हो तो ई और ई का य हो जाए और ऊ और ऊ और ऊ का मेल भिन्न स्वर से हो तो ऊ और ऊ का व बनता है। ई और ई का मेल स्वर का मेल भिन्न स्वर, भिन्न कोई तो नहीं है, भिन्न स्वर आए, ये भिन्न स्वर ई और ई का मेल भिन्न स्वर से हो तो ई और ई का यह कन्वर्ट हो जाए और उ और उ का मेल भिन्न स्वर से हो तो उ और उ का हुआ बन जाएगा। उदाहरण के लिए अगर यहां देखें, जैसे उदाहरण देखें प्रति धन एक, अब
ई के बाद ए भिन्न स्वर आ गया, ई का ए स्वर हो गया तो शब्द बनेगा प्रत्यय। यण संधि में और री का मेल हो तो अर बन जाएगा, महाधन ऋषि महर्षि। अगर यहां हुआ वाला लिखे सुधन आगर, सुधन आगर तो शब्द बनेगा स्वागत। सुधन आगर सु के बाद आ गया, कु आ गया, उपा हुआ बन गया, शब्द बना स्वागत। तो हमने दीर्घ संधि में देखा इसमें बड़ाई बड़ा बड़ाई बराबु, गुण संधि में ए और ए, वृद्धि संधि में आय और औ, यण संधि में ई और ई का य, उ और उ का व और री का र हो जाता है। अब संधि का जो अगला नियम है वह है अयादि संधि। अयादि संधि में इसमें ए और ए, ओ और औ का मेल भिन्न स्वर से हो, ए और ए, ओ और औ का मेल, मेल का यहां प्लस मैंने कर दिया, कोई भिन्न स्वर से हो तो, जब भिन्न स्वर से हो तो ए का क्यों है आय, आय का आय, ओ का आओ, आओ का आव होता है। अयादि संधि में ए ऐ का और ओ औ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो ए जो होगा वो ऐ बन जाएगा, ऐ जो होगा आय बन जाएगा, ओ जो है औ बन जाएगा, औ जो है वो आव बन जाता है। उदाहरण के लिए यहां देखिए नी अन अन, अब देखिए ये है यहां पर ए और उसका मेल अ से हो रहा है तो ने धन अन, ए का अय बनेगा तो शब्द बन जाएगा नयन, शब्द बन जाएगा नयन, ये आ गया अय ना इसके साथ काटा हो जाएगा तो अय नयन नयन। अगर हम वाक का उदाहरण देखें भोधन उख तो हो जाएगा क्या है तो भाव धन उख तो शब्द बन जाएगा भाऊ, शब्द बनेगा भाऊ। तो इस प्रकार विद्यार्थी अयादि संधि में ए आए ओ औ का मेल भिन्न स्वर से हो तो ए का आय, आय का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। आपकी पाठ्यपुस्तक में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ मैंने संक्षिप्त में इसको आपके नियमों को दर्शाया है। स्वर संधि में हमने पांच नियम पढ़े विद्यार्थी, पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में बड़ा बड़ी और बड़ाऊ दो समान स्वर आपस में मिलते हैं। गुण संधि में हमने देखा था कि आ और आ का मेल ए और ओ और र के रूप में वहां हमने प्रयोग देखा था, गुण संधि में ए बन जाता है नर धनेश नरेश, ठीक है, महाधन उदय महोदय, पर धन उत्पाद परोपकार। वृद्धि संधि में अ और आ का मेल ए से हो तो ए बड़ा ए और अ और आ का मेल ओ और औ से हो तो अ, अर्थात एक धन एक हटे, ठीक है, वन धन औषधि वन औषधि। यण संधि में कहा ई और ई का मेल भिन्न स्वर से हो तो ई और ई का य, उ और उ का व हो जाता है या व बनता है, यहाँ मैंने उदाहरण दिया प्रतिधन एक प्रत्येक, सुधन आगर स्वागत। और अयादि संधि में देखा
ए और ऐकार और ओ और औका में किसी भिन्न स्वर से हो, अलग स्वर से हो, ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ, औ का आव होता है। ने धन अन नयन औ धन को औ। तो विद्यार्थी आप जो है स्वर संधि के पांचों भेदों को समझ गए हो। अभ्यास क्रम में या असाइनमेंट के रूप में आपको स्वर संधि के प्रश्न दिए जाएंगे, आप इन भेदों को जानकर उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।